हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम रिव्यू करने जा रहे हैं पबजी के एक कंट्रोलर का। ये जो कंट्रोलर है मेरा पिछले मिस्ट्री बॉक्स में से निकला था और तकरीबन 700 इसकी प्राइस है। अगर आप अनबॉक्सिंग वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर अनबॉक्सिंग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का कंट्रोलर था जिसके आप देते हैं, आप इसके ऊपर जो अपना फ़ोन अटैच कर लें और जो है ट्रिगर वगैरह की सेटिंग करके ऊपर कंट्रोल्स वगैरह की, तो ट्रिगर को ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिगर है वो अटैच है इसके ऊपर और आप यहाँ पे अपना फ़ोन जो है वो अटैच कर लो, और मतलब कि एक टाइप का जो है वो कंट्रोलर ट्रिगर आप कह सकते हैं, मतलब कि ऐसे ही दोनों जो है वो इकट्ठे लगे हुए हैं। मैंने जो है अपने चैनल पे दो ट्रिगर्स पहले भी अनबॉक्स किए हुए हैं। एक ये ट्रिगर है जिसके आप देते हैं ये वाइट कलर का, दोनों अटैच है, मतलब कि आपस में दोनों अटैच है, आप इनको अलग अलग नहीं लगा सकते। तो ये ट्रिगर मैंने अपने चैनल पे अनबॉक्स किया था। और इसके अलावा ये दो ट्रिगर्स हैं, ठीक है, ये दो अलग अलग ट्रिगर्स हैं, ये भी मैंने अपने चैनल पे अनबॉक्स किए हुए हैं। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये दो ट्रिगर्स पहले अनबॉक्स किए थे और अब ये मतलब कि पूरा एक सेटअप ही आप कह सकते हैं। आपको जो है मतलब कि पहले फ़ोन हाथ में पकड़ना पड़ता था और ऊपर ट्रिगर लगा के खेलना था, लेकिन अब जो है आप इसको फ़ोन ऊपर अटैच करें और ट्रिगर्स के साथ जो है खेल सकते हैं ईजीली। तो मेरे ख्याल से थोड़ा कम्फर्टेबल है उनकी बजाय। तो इस वीडियो के अंदर इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने यार कंट्रोल वगैरह सेट करने हैं, तो हम यहाँ पे कंट्रोल्स में जाके जो है कस्टमाइज़ पे जाते हैं और कंट्रोल्स वगैरह सेट करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिगर इसके ऊपर हम ये लगा लें, क्या नाम है इसका, कंट्रोलर के ऊपर। सो यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो है वो सेटअप बनेगा। वॉइस में थोड़ी काम कर दूँ मेरी तो आए ना। तो ये कुछ इस तरह का सेटअप बनेगा जिसके आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका कुछ साइज़ कम कर देते हैं जी, ठीक है। ये इस तरह से बटन जो है लग गया। और दूसरी तरफ हमने यार क्या रखें, दूसरी तरफ भी फायरिंग ही रख लेते हैं। देखो थोड़ा सा स्लिप हो जाता है बीच में से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ सही तरह से करके लगाना है। तो यहाँ पर तो यार ये फायरिंग के लिए बेस्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से फायरिंग हो जाएगी। और अब दूसरे के लिए यार हम दूसरे पे भी फायरिंग ही कर देते हैं, या आप चाहो तो स्कोप वगैरह भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। चलो यार स्कोप ही कर लेते हैं, क्या फिर स्कोप कर लेते हैं, दोनों फायरिंग रख के क्या फ़ायदा। स्कोप यहाँ पे भाई बंदा मिल गया मैंने कहा, ओ भाई एक ही गोली से जाता रहा, वाह। शॉटगन का भाई यही फ़ायदा है, तो एक ही बुलेट से चला गया। मैं रिकॉर्डिंग गलती से ऑफ हो गई थी। तो यहाँ पर इसका सूट यार अच्छा है, सूट हम जो है वो उठा लेते हैं भाई। भाई साहब शॉटगन की एक ही बुलेट लगी है तो वो जाता रहा है, मेरे ख्याल से उसके बाद वेस्ट नहीं होगी इस वजह से। तो मुझे भी डैमेज मतलब कि कर गया यार। वी आर बैक अगेन विद पबजी 9 RP वाला जो है हाईएस्ट है 9 RP, और पता नहीं मेरी कितनी है। तो यहाँ पे हम उतरते हैं ये यहाँ पे मिलिट्री बेस पे, ठीक है। और यहाँ पे ऑल पे करें भाई, कौन कौन है पता नहीं, आवाज़ें आ रही हैं। हेलो येलो, ओ छत ते नहीं लैंड होना। सो यार लैंड हो ही गए हैं छत पे हम, और सोलो है यार, सोलो में लगाई हुई है मैंने। यहाँ पे गन हमें मिनी मिल गई है भाई, 8x में मिल जाए ना बहुत ही कमाल ही हो जाए। ये देखो, ओ भाई भाई भाई, भाई कौन है यार ये, मुझे किसने गोलियाँ मारी हैं। पता नहीं मुझे किसने गोलियां मारी हैं। ओ भाई अंदर चला जा, बाहर तो बहुत ही हद तक रहा।